हेलो एवरीवन, आज हम रागी नाचनी या फिर जिसको फिंगर मिलेट भी बोला जाता है उसका दो तरीके का ड्रिंक्स बनाने वाले हैं जो कि एक यूनिक वे में बनाएंगे। मैंने पहले ही रागी के 3-4 तरीके का रेसिपी बना रखा है जिसमें मैंने बेनिफिट बोला था, पर जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि रागी हाई इन प्रोटीन एंड कैल्शियम होता है जो कि वेट लॉस में मदद करता है एंड स्किन को एजिंग से बचाता है एंड कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो रागी अपने डेली डाइट में लेना अच्छी बात होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। रागी या फिर फिंगर मिलेट का दूसरा रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूलिए। आज का जो ड्रिंक मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम है झड़ापना, जो कि वेस्टर्न ओडिशा में बहुत ज़्यादा फेमस है एंड अप्रैल के महीने में जब ओडिशा का न्यू ईयर होता है तब इसे जरूर बनाया जाता है पणा संक्रांति के दिन। समस्तों को पणा संक्रांति रो हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 कप छिलका वाला रागी, उसको अच्छे से क्लीन करके 5 से 6 घंटे भीगने के लिए छोड़ दिया। 5-6 घंटे बाद हल्का सा पानी डाल के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास रागी या फिर नाचनी का आटा है तो उसको आप पानी में अच्छे तरीके से मिला लें एंड ये स्टेप से आगे आप सेम फॉलो कर सकते हैं। तो ग्राइंड किया हुआ नाचनी या फिर रागी का पानी को हमने छन्नी में डाला और उसको अच्छे से छान लेंगे। जितना भी ब्राउन कलर दिख रहा है वो नाचनी या फिर रागी का छिलका है एंड जो भी व्हाइट कलर का है जिसको हमको सेपरेट करके निकालना है अपने रेसिपी के लिए। मेरे पास जैसे छन्नी है तो मैंने छन्नी से ये किया है, लेकिन आपके पास पतला कपड़ा है तो कपड़ा से भी आप अच्छे से इसको छान सकते हैं। पूरे मटेरियल्स को अच्छे से स्क्वीज करके जितना भी व्हाइट पार्ट्स हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे एंड ये जो ब्राउन पार्ट है जो कि इसका छिलका है उसको हम रख सकते हैं अपने गार्डनिंग पर्पस के लिए। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये देखिए जैसे मिल्क होता है पूरा व्हाइट कलर का लिक्विड हमको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा दोनों रेसिपी आगे इसी से बनने वाला है। इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन लेंगे एंड उसको मीडियम फ्लेम में हीट करेंगे। उसमें सारे रागी का एक्सट्रैक्ट को डालेंगे एंड हल्के हल्के हाथों से उसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। थोड़ी देर में ही दिखेगा कि ये धीरे धीरे थिक होने लगा है। कंटिन्यूसली हमको इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। ये देखिए धीरे धीरे इसमें लम्ब्स आना चालू हो गए हैं, बट ये पूरी तरीके से अभी पका नहीं है। इसको कंटिन्यूसली हम स्टेयर करते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है एंड इसमें अभी कोई भी लम्ब्स नहीं है, इसका मतलब अभी ये रेडी है अपने रेसिपी के लिए। एक बड़ा बाउल में भर के ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब्स ले लेंगे जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा हमको ये रेसिपी में एक इस तरीके का स्पैचुला या फिर स्ट्रेनर जिसको झरा भी बोलते हैं वो लगने वाला है। तो हम और एक स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठा के ये होल वाले स्पैचुला में डाल के ऐसे प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा जो भी रागी का मटेरियल है वो नीचे गिरने लगेगा। ये प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि पानी ठंडा होना चाहिए एंड रागी का मटेरियल गर्म होना चाहिए। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ठंडा पानी के अंदर लंबा लंबा कैटरपिलर के शेप में रागी जो है वो जमा होने लगा है। पूरे जितना मटेरियल हमने कुक किया था उसको ये प्रोसेस में हमको ख़त्म करना है। आपके पास अगर रागी का आटा हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है रागी के ग्राइंडर करने के बाद से अब तक। ये दो तरीके के रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं ये गर्मियों के दिन में बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा देता है एंड बच्चे एंड बड़े सबको ये बहुत पसंद आता है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो फटाफट अपना पहला रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो कि है रागी मसाला बटर मिल्क, जिसके लिए हमने 2 कप कर्ड लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया एंड उसको अच्छे से फिर विस्क कर लिया। इसमें डालेंगे 1 कप गुड़ या फिर चीनी, देन गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा लस्सी का बेस रेडी है, मतलब हमारा कर्ड जो है वो अभी रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके रागी मिलाएंगे एंड अपने पसंद के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल है वो मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, उसके अलावा भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा काजू एंड आलमंड मिला लिया। बस अभी ये रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने इसको गार्निश किया थोड़ा सा कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ। एंजॉय।
एंजॉय द शुगर फ्री हेल्दी मिलेट ड्रिंक। अभी हम दूसरा ड्रिंक बनाएंगे जो कि नमकीन होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा वाला ड्रिंक अच्छा लगा। तो फटाफट ले लेंगे 2 कप कर्ड, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको विस्क कर लेंगे। सबसे पहले उसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना जीरा, उसके बाद 1 अदरक एंड मिर्ची को कद्दूकस कर लेंगे एंड उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिला लेंगे। इसमें डालेंगे स्वादानुसार काला नमक एंड सारे मटेरियल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिला लेंगे रागी एंड ऊपर से डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड धनिया पत्ता। बस फटाफट हमारा दूसरा ड्रिंक भी सर्व करने के लिए रेडी हो गया। इसको मैंने गार्निश किया धनिया पत्ता, पतले पतले कटे हुए अदरक एंड मिर्ची के साथ। ये दोनों ड्रिंक्स वेस्टर्न ओडिशा में बहुत फेमस है एंड गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक भी कर ही दिया होगा एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।